आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, माना P और Q एक्स वाई समतल में वक्र वाई बराबर एक्स की घात 11 माइनस 2 एक्स की घात 7 प्लस 7 एक्स की घात 3 प्लस 11 एक्स प्लस 6 पर दो बिंदु इस प्रकार है कि OP सदिश इंटू यहाँ पे गुणा में है आई वेक्टर यानी कि आई सदिश बराबर है 5, OQ सदिश इंटू आई सदिश बराबर में है माइनस 5 है, तो OP सदिश प्लस OQ सदिश का परिणाम है। तो यहाँ पर हमें इन दोनों का इसका परिणाम ढूंढना है। तो यहाँ पर हम ये जो दिख रहा है इसको हम लिख लेते हैं। ये जो फलन है वो किसका फलन है, x के सापेक्ष में ये फलन है। तो इसको हम y को क्या लिख सकते हैं, y ऑफ x ऐसा लिख सकते हैं। तो y ऑफ x क्या हो जाएगा, x की घात 11 माइनस 2 x की घात 7 प्लस 7 x की घात 3 प्लस 11 x प्लस 6। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें क्या दिया भाई, OP सदिश और OQ सदिश। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि ये जो OP सदिश है इसको हम मान लेते हैं x1 सदिश और दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा इसका x1, इसमें रखेंगे तो y मिलेगा यहाँ से, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा y x1। तो ये हो, इसको मान लिया हमने OP सदिश, और जो दूसरा OQ है इसको हम मान लेते हैं सदिश, ये जो सदिश है ये है x2, इसका x निर्देशांक है x2 और इसका y है क्या हो जाए x2 और इसका y निर्देशांक क्या हो जाएगा y ऑफ x2 यानी कि y के अंदर x2 रखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या दिया हुआ है कि OP का अंतःगुणन किसके साथ, i के साथ। तो यहाँ पर इसका अंतःगुणन i के साथ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका OP की जगह पर हमें क्या लिखना है, x1 y x1 डॉट यानी कि अंतःगुणन किसके साथ, i के साथ, सदिश i के साथ बराबर 5। तो i सदिश है तो यहाँ पे j सदिश तो है ही नहीं, तो इसलिए ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से i सदिश को हम क्या लिख सकते हैं, 1,0 लिख सकते हैं, ऐसा 1,0। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 1,0, क्योंकि इसका j कैप है ही नहीं, तो j कैप मतलब क्या हो जाएगा 0। तो 1 गुने x1 क्या हो जाएगा, यहाँ से x1 प्लस 0 बराबर 5। तो यहाँ से हमें x1 बराबर क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब इसी प्रकार से क्या होगा, OQ डॉट i कैप बराबर क्या दिया हुआ है, इन दोनों का अंतःगुणन दिया हुआ है माइनस 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 5। तो यहाँ से OQ सदिश क्या है, x2 और y ऑफ x2 डॉट क्या दिया हुआ है, आई कैप। तो आई कैप को हम क्या लिख सकते हैं, 1,0 बराबर में क्या दिया हुआ है, माइनस 5। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 1 का गुणा इसमें x2 में होगा, तो यहाँ से मिल जाएगा x2 प्लस y ऑफ x2 इंटू 0, ये क्या हो जाएगा 0 बराबर माइनस 5। तो यहाँ से x2 बराबर कितना आ गया, माइनस 5। तो अगर यहाँ से ये x2 बराबर 5 आया तो इसको यहाँ पर रखेंगे y ऑफ x1 में, तो यहाँ से ये हमारा जो OP सदिश है वो क्या मिल गया हमें, OP सदिश मिल गया x1 यानी कि 5 और y ऑफ x1 यानी कि y ऑफ 5 ये मिल गया, और OQ सदिश ये क्या मिल जाएगा हमें, x2 क्या है, माइनस 5 इन कॉमा y निर्देशांक क्या मिल जाएगा, y ऑफ x2 यानी कि y ऑफ माइनस 5 ये मिल जाएगा। तो अब ये जो हमारा फलन है ये वाला, इसको देखें, तो यहाँ से सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इन दोनों का परिणाम निकालना है। तो हम पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो OP सदिश प्लस OQ सदिश इसका परिणाम निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, y ऑफ 5 प्लस माइनस 5, y ऑफ माइनस 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका x निर्देशांक जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 - 5, y ऑफ 5 प्लस y ऑफ माइनस 5 ये हो जाएगा। तो 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0, y ऑफ 5 प्लस y ऑफ माइनस 5। तो अब ये जो हमारा सदिश दिया हुआ है, अब ये जो हमारा वक्र दिया हुआ है, वक्र का समीकरण, इसमें x की जगह पर हम 5 रखते हैं। तो यहाँ से ये हमें, इसको हम लिख देते हैं परिणाम 1।
तो हम वाई ऑफ 5 निकालते हैं, यानी कि हम एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पर 5 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 की घात 11, यहाँ से ये हो जाएगा 5 की घात 11 माइनस 2 गुने 5 की घात क्या है 7, प्लस 7 गुने 5 की घात क्या हो जाएगा 3, तो यहां से 5 की घात 3 प्लस 11 गुने 5 यहां से और प्लस 6, और दूसरा हम लिख लेते हैं y ऑफ माइनस 5, तो क्या हो जाएगा माइनस 5 की घात 11, जहां पर भी x है वहां पर क्या हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस 5 की घात 7, तो माइनस 2 गुने माइनस 5 की घात 7 प्लस 7 गुने 5 माइनस 5 की घात 3 प्लस 11 गुने माइनस 5 प्लस 6, तो यहां से देखें तो यहाँ पर माइनस की घात क्या है विषम संख्या है, तो माइनस को बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 5 की घात 11, यहाँ पर भी विषम संख्या है तो माइनस बाहर ले सकते हैं, घात क्या है यहाँ पर विषम है इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा, और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस 2 गुने 5 की घात 7, यहाँ से भी माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि घात क्या है विषम संख्या है, तो क्या हो जाएगा प्लस और माइनस का गुणा माइनस 7 गुने 5 की घात 3, माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ से तो प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा माइनस 11 गुने 5 प्लस 6। अब क्या करते हैं यहाँ पे ये तो क्या आ गया वाई ऑफ माइनस 5, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि वाई ऑफ 5 इसको और इसको जोड़ देते हैं प्लस वाई ऑफ माइनस 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखे तो ये प्लस में है यहाँ पर और ये माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएंगे, इसी प्रकार से ये प्लस में है इधर माइनस में है तो ये दोनों भी कट जाएंगे, ये माइनस में है ये प्लस में है तो ये दोनों भी कट जाएंगे, ये प्लस में है और ये माइनस में है तो ये भी दोनों भी कट जाएंगे, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ से ये क्या मिल जाएगा 6 प्लस 6, यानी कि ये क्या मिल गया 12, तो ये जो था ये क्या था ओपी सदिश और ओक्यू सदिश, क्या मिला था हमें 0, y(5) प्लस y(-5), तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं, तो यहां से हमें क्या मिल गया इसीलिए ओपी सदिश प्लस ओक्यू सदिश बराबर मिल गया 0, 12, तो इसका हमें परिणाम निकालना है, इसका परिणाम ओपी सदिश प्लस ओक्यू सदिश बराबर में मिल जाएगा वर्गमूल में 0 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 12 का वर्ग, तो 12 का वर्ग, तो वर्ग और वर्गमूल कैंसिल, तो क्या मिल गया 12, ये है हमारे प्रश्न का उत्तर, कौन से विकल्प में दिख रहा है विकल्प बी में। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।